नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको रानी पद्मावती की कहानी, उनका इतिहास, जीवन परिचय बताएंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किलों का इतिहास बड़ा ही रोचक है। यह राजपूतों की बहादुरी के लिए ही नहीं, बल्कि रानी पद्मावती के जीवन की कहानी वीरता, त्याग, त्रासदी, सम्मान और छल को दिखाती है। रानी पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए समस्त भारत में प्रसिद्ध थी। पद्मावती, रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी, तीनों का जीवन एक बिंदु पर आकर जुट जाता है। रानी पद्मावती राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी, जो कि सिंघल कबीले में रहा करती थी। पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता, जिसका नाम हीरामणि था। रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। पद्मावत कविता में कवि ने उनकी सुंदरता के बारे में बताया है कि उनके पास इतना सुंदर तन था, जब वो पानी पीती थी तो उनके गले से अंदर से पानी देखा जा सकता था। पद्मावती के पिता ने उसके लिए स्वयंवर आयोजित करवाया, जिसमें उनका विवाह राजा रावल रतन सिंह के साथ हुआ, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। उनकी पहले से 13 रानियां थीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार पद्मावती को करते थे। 12वीं व 13वीं शताब्दी के समय चित्तौड़ के राजपूत राजा रावल सिंह रतन का राज्य था, जो सिसोदिया राजवंश के थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा देश के सभी समस्त कलाकारों, नर्तकियों, कारीगरों, संगीतकारों, गायकों का स्वागत किया करते थे और उन्हें सम्मानित करते थे। उनके राज्य में एक अच्छा गायक राघव चेतक था। राघव गायकी के अलावा काला जादू भी जानता था। यह बात किसी को पता नहीं थी। राजा के खिलाफ राघव ने इसका इस्तेमाल करना चाहा तो राजा ने उसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया और उसने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। इस कहानी से में अब अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। राघव चेतक दिल्ली के सुल्तान से हाथ मिलाना चाहता था, ताकि वो अपने अपमान का बदला ले सके। राघव जंगल में बैठकर बांसुरी बजाता था, ताकि राजा जब शिकार के लिए आए तो वह उसे सुने। और एक दिन उसकी किस्मत चमकी और सुल्तान ने उसे सुना और सैनिकों से उस इतनी मधुर आवाज़ बजाने वाले व्यक्ति को पकड़कर लाने को कहा। सैनिक उसे राजा के सामने पकड़कर ले आए। खिलजी ने उसे दरबार में आने को कहा तो मौके का फायदा उठाकर राघव ने राजा को अपनी बातों में फंसाकर कहा कि वह एक गद्दार है, और रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान इस तरह किया कि खिलजी उसकी बात सुनकर उत्तेजना से भर जाते हैं और चित्तौड़ में हमले का विचार कर लेते हैं और सोचता है कि इतनी सुंदर रानी को उसके हरम की सुंदरता बढ़ानी चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की सुंदरता को सुनकर चित्तौड़ पर चढ़ाई शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर वह निराश हो जाता है। लेकिन पद्मावती को देखने की उसकी चाह इतनी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो रावल को एक संदेश भेजता है और पद्मावती को बहन की हैसियत से देखना चाहता है। राजपूत को बोलना ऐसी बात, ये शर्म की बात होती है, लेकिन सुल्तान में के रोष से बचने के लिए रावल ने उसे आईने में प्रतिबिंब दिखाने की बात कही। खिलजी मान गया और खिलजी ने रानी को शीशे में देखकर बहुत ही खुश हुआ और वह उसे देखकर मदहोश हो गया। अपने शिविर में लौटते समय रतन सिंह उसके साथ आता है। मौके का फायदा उठाकर खिलजी रतन सिंह को अगवा कर लेता है और बदले में पद्मावती की मांग करता है। राजपूत जनरल गोरा व बादल ने अपने राजा को बचाने के लिए पद्मावती के साथ मिलकर एक योजना बनाई और खिलजी को संदेश भेजा कि वे पद्मावती, रानी पद्मावती को लेकर आ रहे हैं। 150 पालकी खिलजी के शिविर की ओर पलायन करती हैं। पालकी में से रानी नहीं बल्कि सेना के जवान निकलते हैं और खिलजी के साथ युद्ध करते हैं। गोरा युद्ध में मारा जाता है, जबकि बादल राजा को सही सलामत किले में वापस ले आने में सफल होता है। अपनी हार के बाद खिलजी क्रोध में आता है और एक बड़ी सेना किले के चारों ओर घेराबंदी के लिए खड़ी कर देता है। धीरे धीरे किले में खाने पीने की कमी होने लगती है। अंत में परेशान होकर राजा रतन सिंह किले का दरवाजा खोलने को कहता है।
और अपने सैनिकों से मरते दम तक लड़ाई करने को कहता है। लेकिन पद्मावती निश्चय करती है कि वो जौहर कर लेगी। जौहर का अर्थ होता है आत्महत्या। 26 अगस्त 303 में पद्मावती जौहर के लिए तैयार हो जाती है। रानी के साथ किले की सभी औरतें भी आग में कूद जाती हैं और अपनी जान दे देती हैं। वहां के प्रूस मरते दम तक लड़ते रहे और बाद में खिलजी की जीत हुई। लेकिन किले में प्रवेश करने पर उसे मृत शरीर, राख व हड्डियां ही मिलती हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी व पद्मावती के बीच कोई प्रेम कहानी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कहानी बहुत ही प्रचलित है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।